हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गिटकॉइन ग्रैंड 15 के बारे में। और जीआर 15 को लॉन्च हुए 3 दिन हो चुके हैं। 7 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था और 22 सितंबर तक ये चलेगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है इसके अंदर डोनेशन देने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हमें प्रोजेक्ट्स को चूज़ करना होता है जिसके अंदर हमें डोनेशन देना है, और साथ में आपसे मैं शेयर करूँगा कुछ लिस्ट जहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं। काफ़ी टाइम से जिन जिन लोगों ने गिटकॉइन के अंदर डोनेशन दिया है उन सभी लोगों को बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे एयर ड्रॉप देखने को मिला है। अगर हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म ने उन सभी लोगों को एयर ड्रॉप दिया था जिन लोगों ने इनके गिटकॉइन में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन मुझे भी अपने एक वॉलेट के अंदर यहाँ पे ऑप्टिमिज्म में एयर ड्रॉप मिला था, जहाँ पे मुझे 555 OP टोकन रिसीव हुए थे। और इसके बाद से अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गिटकॉइन के अंदर भर भर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ में डोनेशन भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपके पास अकाउंट होना चाहिए गिटकॉइन के ऊपर। हालांकि मैंने इसके ऊपर शायद 2 या 3 वीडियो बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने बताया कैसे आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे अपना खुद का भी ग्रांट लॉन्च कर सकते हैं और पब्लिक से डिमांड कर सकते हैं कि वो आपके ग्रांट में आके डोनेट करें। तो किसी भी ग्रांट के अंदर डोनेशन देने के लिए आपके पास अपना अकाउंट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में दोस्तों आपका जो ट्रस्ट स्कोर है वो भी कम से कम 150 के ऊपर होना चाहिए। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको क्लिक करना होगा माय अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रस्ट बोनस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेरा स्कोर है वो है 150% का, तो कम से कम आपका स्कोर इतना होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे डोनेट कर पाएंगे। और अब इन लोगों ने एक नया ऑप्शन स्टार्ट किया है पासपोर्ट का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका स्कोर 150 नहीं है तो आप कैसे स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसे ओपन किया हुआ है। उसके बाद आप अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने ट्विटर को वेरीफाई किया हुआ है, अपने गूगल को वेरीफाई किया हुआ है, अपने गिटहब को वेरीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को वेरीफाई करना चाहते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ वेरीफाई कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। और आप कोशिश करें कि 150% के जो मार्क को आप टच कर जाएं ताकि आप इजीली यहाँ पे डोनेट कर पाएँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद आपका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 150% तक पहुँच जाता है। और अब बात करते हैं कि कैसे हम ग्रैंड के अंदर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है डोनेशन देने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल में उनके बारे में बताया गया हो, उनके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया हो। दूसरा, उनका टोकन मार्केट में ना हो, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर वो अपने टोकन को लॉन्च करें, जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो अपने टोकन को बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, उन्हीं के अंदर आपको यहाँ पर डोनेशन देना है। ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फीलैंड ग्रैंड को ओपन किया हुआ है। फीलैंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी पब्लिश किया है उनके टेस्टनेट के बारे में। और जो फीलैंड है वो पॉलीगन के ऊपर बेस्ड वेब 3 प्रोजेक्ट है, और इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि यहाँ पे इन्होंने अपने गिटकॉइन ग्रैंड को ओपन किया हुआ, तो आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर फीलैंड अपना टोकन लेके आता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि वो गिटकॉइन में डोनेट करने वाले लोगों को भी यहाँ पे ड्रॉप दे सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर फीलैंड को भी सेलेक्ट किया है एज अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम डोनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल में बताया गया है कि पूरा प्रोजेक्ट किस बारे में है, ये कैसे काम करता है, मेननेट में क्या होगा, टेस्ट में क्या चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसे अपने कार्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। और जो कंट्रीब्यूशन है मिनिमम दोस्तों वो है $1, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से $1, $5, $10, जितना आप यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जिसे मैंने चूज़ किया है उसका नाम है मेटामेल। मेटामेल अगेन एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक कोई टोकन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, और ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि ईथर मेल काम करता है। और यहाँ पर भी अगर हम डोनेशन देते हैं तो हो सकता है जब मेटामेल अपने टोकन को लॉन्च करे तो हमें यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो अगेन मैंने इसे भी यहाँ पर अपने कार्ट में ऐड कर लिया है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है वाया। वाया अगेन एक वन स्टॉप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, साथ में ब्रिज का भी काम करता है, और इसे भी मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इनका टोकन लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये टोटल 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं और तीनों को मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं 3 प्रोजेक्ट्स मेरे कार्ट में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो
$1 चूज कर सकते हैं अप्लाई टू ऑल, और तीनों के अंदर आप यहाँ पे 1-1 डाई दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कम से कम आप यहाँ पे 5 या $10 डोनेट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे इसे 5 कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पे अमाउंट भी सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने अमाउंट डोनेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है आई एम रेडी टू चेकआउट के ऊपर, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला है स्टैंडर्ड यानी कि इथेरियम में आप पेमेंट करेंगे, दूसरा पॉलीगॉन और तीसरा है जी के सिंक। पॉलीगॉन सबसे सस्ता है यहाँ पे, तो अगर आपको पॉलीगॉन में चेकआउट करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेंज करना होगा डाई से मैटिक में, या फिर आप इथेरियम चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है अप्लाई टू ऑल। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको टोटल 15.75 मैटिक चाहिए होगा डोनेशन देने के लिए, और उसके बाद आप पॉलीगॉन चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेटामास से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ पे आप कंफर्म करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जी के सिंक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको एयरड्रॉप मिलने के जो चांसेस है ना वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जी के सिंक भी एयरड्रॉप लेके आने वाला है। लेकिन जी के सिंक में अगर आपको डोनेशन देना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा orbital.finance के ऊपर, और जिस नेटवर्क पे भी आपका इथेरियम पड़ा हुआ है या फिर USDC है, USDT है या फिर डाई टोकन है, उस नेटवर्क से पहले आपको ब्रिज करना होगा जी के सिंक के ऊपर। लेट्स से कि आपका फंड इथेरियम नेटवर्क पे पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क चूज़ करेंगे, और आपके पास इथेरियम ही है आपका इथेरियम नेटवर्क के ऊपर तो आप यहाँ पे ईथ सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी अमाउंट में आपको डोनेशन देना है उतने अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद आप जी के सिंक के ऊपर उसे सेंड कर देंगे। जब आपका फंड जी के सिंक नेटवर्क पे आ जाएगा, और मेक श्योर कि आपका जी के सिंक का नेटवर्क ऐड होना चाहिए मेटामास्क वॉलेट के अंदर भी, तो जी के सिंक का नेटवर्क दोस्तों आपको मिल जाएगा chainlist.org से। तो जब आपका फंड आ जाएगा यहाँ पे जी के सिंक नेटवर्क के ऊपर, उसके बाद आप वापस जाएंगे गिटकॉइन के साइट के ऊपर, और इस बार आप सेलेक्ट करेंगे जी के सिंक, और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे जी के सिंक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जी के सिंक में भी एयरड्रॉप आने वाला है आर्बिटरम की तरह। जी के सिंक का भी अभी तक टोकन लॉन्च नहीं हुआ है, और जो ये ऑर्बिटर है ये ऑफिशियली लिस्टेड है जी के सिंक इकोसिस्टम के अंदर। तो जो लोग भी यहाँ पे ऑर्बिटर को यूज़ करेंगे और ब्रिज करेंगे जी के सिंक नेटवर्क के ऊपर, उन्हें भी यहाँ पे एयरड्रॉप मिलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे गिटकॉइन में डोनेशन देने के साथ साथ आप यहाँ पे जी के सिंक में भी ट्रांजेक्शन कर लेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जी के सिंक, ऑर्बिटर प्लस गिटकॉइन में जितने भी प्रोजेक्ट्स में हम डोनेट कर रहे हैं उन सभी के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और जब भी फ्यूचर में इनका एयरड्रॉप होगा तो डेफिनेटली आपके वॉलेट को कुछ ना कुछ यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर होगा, तो ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको बस बताना था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा पॉलीगॉन के थ्रू क्योंकि ऑलरेडी मैंने जी के सिंक यूज़ कर लिया है। तो जैसे मैंने बताया था आपको एक नोटिफिकेशन आएगा मेटामास्क से, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने नेटवर्क को चेंज करना होगा, स्विच नेटवर्क, और एडिट कंफर्म। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमने फाइनली यहाँ पे डोनेशन कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे वेरीफाई का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे जाके अपने पासपोर्ट को रीसबमिट कर दे ताकि यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको गिटकॉइन ग्रैंड के अंदर जाके डोनेशन देना होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाले हैं, जहाँ पे आपको एयरड्रॉप मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे कि लोन शार्क, जीके पे। तो इनकी भी एक लिस्ट है दोस्तों जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो गिटकॉइन ग्रैंड 15 के ऊपर। उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।